हमारी मेन कैरेक्टर उसके हस्बैंड के साथ एक नए शहर में मूव होती है। एक दिन उनके घर पर चोरी हुई, तब उसने रियलाइज किया कि जिस तरीके से उसे उसका हस्बैंड लगता है वैसा है नहीं। कुछ चीजों को लेकर उसे शक करने लग गई थी। इसके बाद मूवी एक बहुत ही डेंजरस सा टर्न लेती है। एक्चुअल में होता क्या है ये हम आज की हमारी मूवी इंट्रूजन ये 2021 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मीरा को देख सकते हैं जिसने अपने अमेरिकन फ्रेंड हेनरी से शादी की थी। वो आज रन के लिए जाकर आई और जब वो शॉवर ले रही थी तो उसे कुछ महसूस होता है। उसे पहले कैंसर था तो उसे लगा कि शायद उसका कैंसर वापस आ रहा है। इस बात से वो जरा डिस्टर्ब हो गई थी। हेनरी उसे कहता है कि चलो आज हमें डिनर के लिए चलना है। उसे जरा अजीब तरीके से देख रहा था। एक्चुअल में मीरा को अपने आप को चेक करता हुआ हेनरी ने देख लिया था। डिनर पर इसके बारे में उसने उससे पूछा तो मीरा कहती है कि अब तक मैं श्योर नहीं हूँ क्या उसका कैंसर वापस आया है भी या नहीं। हेनरी कहता है कि जो भी हो हमने पहले भी इसे फाइट किया था और अब भी करेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये जब घर पर आया तो हेनरी ने जो घर बनाया है ये देखकर वो प्राउड होता है। सिटी की भागदौड़ छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर वो मूव हुए थे और एक बड़ा सा हाउस उसने बनाया हुआ था। वो खुद एक आर्किटेक्ट है तो ये पूरा उसने ही डिजाइन किया है। घर में आने के बाद ये नोटिस करते हैं कि घर में कोई आ चुका है। उन्होंने लाइट्स वगैरह लगा कर देखे तो वो रियलाइज करते कि उनके घर में चोरी हुई थी। पुलिस के आने के बाद पता चलता है कि उनके घर से कोई भी वैल्यूएबल चीज उन्होंने ली नहीं है। अपने डेट के लिए फोन और लैपटॉप पीछे छोड़कर गए थे, यही चोर लेकर गए। सबसे पहले हेनरी जाकर अपने ऑफिस को देखता है। इन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीरा एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके पेशेंट के साथ वो डिस्कस कर रही थी तो बातों बातों में हेनरी ने किस तरीके से उसे प्रपोज किया था इसका जिक्र हुआ। मीरा कहती कि उसने मुझे एक क्लॉक दी थी और कहा था कि मेरे साथ ही रुक जाओ। उसने फिर उससे शादी कर ली थी। ये क्लॉक वो हमेशा अपने पास रखती है। पुलिस हेनरी से बात करते हैं और उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे कोई दुश्मन वगैरह है। हेनरी कहता है कि इतने दूर तक कोई आ सके ऐसा कोई भी नहीं है। डिटेक्टिव ने उसे कहा कि हमारे पास कुछ लीड्स है जिसे हम फॉलो करेंगे, ज़्यादा तुम वरी मत करो। मीरा डॉक्टर के पास जाकर उसे कैंसर है भी या नहीं इसकी टेस्ट कर आती है। डॉक्टर से उसे पता चला कि उसका कैंसर वापस आया नहीं है। डॉक्टर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना कि तुम्हारे घर पर चोरी हुई थी। मीरा कन्फ्यूज्ड हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि छोटा सा टाउन है, यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे को पता चल जाती है। मीरा कहती कि मेरा हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा मुझे बहुत सहारा देता है और उसी वजह से सब कुछ चल रहा है। हेनरी ने सेफ्टी के लिए पूरे घर में लॉक्स लगा दिए जिससे वो अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता था। मीरा जब घर पर आए तो हेनरी उसके हॉस्पिटल की फाइल देखता है। उसने कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। मीरा कहती कि जब तक मैं श्योर नहीं थी तब तक मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। हेनरी कहता है हम एक दूसरे से इस तरीके से सीक्रेट नहीं छुपा सकते, हमें एक अच्छा सा ट्रस्ट होना चाहिए। मीरा इसके लिए उसे सॉरी कहती है। हेनरी खुश था कि मीरा का कैंसर वापस नहीं आया और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जब ये सोए हुए थे तो अचानक से लाइट चले गए। मीरा हेनरी को उठाकर कहती है जाओ जाकर जनरेटर चेक कर आओ। हेनरी ने जनरेटर देखा तो उसकी वायरिंग निकाली गई थी। वो घर पर नजर डालता है तो घर में कुछ लोग थे, उन्होंने मीरा को पकड़ कर बांध कर रखा था। हेनरी स्लोली स्लोली घर में चला गया, वो मीरा को छुड़ा लेता है। ये बिना कुछ आवाज किए घर से बाहर जा रहे थे। हेनरी स्लोली स्लोली घर के एक प्लांट के पास पहुंच जाता है, उसमें उसने एक गन छुपाई थी। मीरा ये देखकर सरप्राइज्ड हो गए, उसे एक आदमी देख लेता है और उसका पीछा करने लग गया। जल्दी से वहां से भागने लग जाते हैं, स्ट्रगल करते करते अपने बेडरूम तक आके हेनरी ने डोर बंद कर दिया और मीरा को नीचे जाने में वो हेल्प करता है। उसने कहा कि जाओ और गाड़ी को स्टार्ट करो और जल्दी से यहाँ से भाग जाना। मीरा नीचे गई और वो डोर लॉक रखता है। जल्दी से भागकर वो गाड़ी के पास आ जाती है, तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। वो आदमी बाहर आया तभी एक गोली चलती है, ये हेनरी ने उस आदमी पर गोली चलाई थी। घर में जो भी लोग थे इन सब को भी हेनरी ने मार दिया था। अगली सुबह मीरा हेनरी से कहती है तुमने मुझे गन के बारे में बताया क्यों नहीं, तुमने ही तो कहा था कि हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट्स होने नहीं चाहिए। हेनरी ने कहा कि जब हम सिटी में रहते थे तभी से मेरे पास ये गन थी, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता तो तुम कभी भी मुझे ये रखने नहीं देती। वो कहता है कि अब से कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। इसके बाद पुलिस हेनरी और मीरा के साथ बात करते हैं। पुलिस ने कहा कि वो लोग पहले बहुत सारे क्राइम में इन्वॉल्व थे, वैसे चोरी वगैरह काम करते रहते थे। ये टोटल में तीन लोग थे, हेनरी की गोली की वजह से दो लोग मर गए और एक आदमी आईसीयू में है। पुलिस कहते हैं कि इन तीन लोगों का और एक लड़की के गायब होने के पीछे भी इन्वॉल्वमेंट था, वो लड़की उनकी फैमिली से थी। ये बात अजीब थी कि वो लोग अपने खुद के फैमिली मेंबर को किडनैप करेंगे।
अपने न्यू हाउस के लिए ये लोग हाउस वार्मिंग पार्टी रखने वाले थे, तो हेनरी इसी का सामान लेने के लिए जा रहा था। मीरा कहती कि तुम सारी चीजें इतने नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हो, कल ही तुमने दो लोगों को मार दिया है, कैसे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हेनरी कहता है कि वो लोग हमें मारने वाले थे, उसी वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ा। जो भी मैंने किया इस इंसिडेंट से मुझे बहुत ही घटिया लग रहा है, पर मेरी लाइफ के साथ मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी मैं नॉर्मल चीजें करने लगूंगा यही मेरे लिए अच्छा होगा। घर से निकलते वक्त हेनरी अपना वॉलेट भूल गया। मीरा उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर हेनरी का फोन लग नहीं रहा था। उसने डिसाइड किया कि हेनरी को पीछे पीछे जाएगी, उसका वॉलेट उसे देकर आएगी। पीछा करते करते वो एक डिवाइडर तक आती है। सिटी में जाने का रास्ता अलग था और हॉस्पिटल में जाने का अलग। हेनरी हॉस्पिटल के रास्ते पर जा रहा था, इस बात से मीरा कन्फ्यूज्ड हो गई। उसका ध्यान नहीं था तो पीछे की गाड़ी उसे टकरा देती है। इसके बाद वो जरा लेट घर पर आई। वो हेनरी को सारी सिचुएशन समझा दिया और कहती है कि तुमने अलग टर्न क्यों लिया था। हेनरी कहता है कि मैंने गलती से अलग टर्न ले लिया था। जो भी हो रहा था इसका बुरा असर मीरा पर पड़ रहा था। उसे दिन में भी लग रहा था कि वो रॉबर उसके आसपास ही है। मीरा की कोवर्कर कहती है कि मुझे बुरा लगा कि पार्टी तुम्हें कैंसिल करनी पड़ी। हेनरी ने मीरा के लिए पार्टी कैंसिल कर दी थी। मीरा से पुलिस डिटेक्टिव आकर बात करते हैं, कहते हैं कि जो रॉबर जिंदा था उसकी डेथ हो चुकी है। वैसे उसके हॉस्पिटल में हेल्थ इंप्रूव हो रही थी, पर अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई। जिस रात हेनरी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था उसी रात उस रॉबर की भी डेथ हो गई। ये बात बहुत ही अजीब थी। एक्सीडेंट की वजह से आज मीरा हेनरी की गाड़ी लेकर आई थी। इस पर वो GPS के रूट चेक करती है तो एक अजीब सी लोकेशन उसे मिली। उस लोकेशन को फॉलो करते हुए वहां पर वो पहुंच जाती है। घर के बाहर जो गाड़ी थी इससे उसे पता चला कि ये रॉबर का एड्रेस है। वो घर के अंदर घुस आती है। वहां उसे एक इनवेलोप मिला जो हेनरी ने उस रॉबर को दिया हुआ था। मीरा फिर लेटर बॉक्स के पास और भी लेटर्स चेक करने के लिए जाती है। वहां पर उसे एक इन्वेलोप मिला जिसमें कैमरा था। ये कैमरा वो पुलिस के पास भेजने वाला था, पर उसकी डेथ की वजह से कुछ भी वो कर नहीं पाया। अचानक से मीरा को एक आदमी वहां पकड़ लेता है, कहता है कि तुम यहां पर कर क्या रही हो, कल भी आई थी, मैं जानता हूं कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही हो। मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वहां से भाग गई। घर आकर उसने उस कैमरे को रीड करने की कोशिश की पर उसे रीड कर नहीं पाती। अंदर की टेप को रीड करने के लिए एक अलग सा कैमरा उसने ऑनलाइन बाय कर लिया। हेनरी ने रॉबरर को इन्वेलोप क्यों दिया इसका पता करने के लिए वो हेनरी के ऑफिस में गई। हेनरी की कबर्ड लॉक थे पर उसे वहां पर एक पेन ड्राइव मिल जाता है। इसकी इमेजेस वो चेक कर रही थी तो हेनरी की कंस्ट्रक्शन साइट पर वो रॉबरर पहले काम करता था ये बात उसे पता चल गई। अचानक से हेनरी घर पर आ गया। मीरा डर जाती है पर वो पेन ड्राइव उसने अपने पास रख लिया। हेनरी ने अपने ऑफिस के लाइट्स ऑन देख लिए थे पर मीरा कहती है कि मैं वहां पर नहीं गई थी। हेनरी को मीरा का फोन ऑफिस में मिलता है तो मीरा ने कहा यहाँ पर मैं वैक्यूम करने वाली थी, इसके बारे में भूल ही गई। हेनरी इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं, पर मीरा डिनर के वक्त भी उससे ज्यादा कुछ भी बात कर नहीं रही थी। उसके पास आया और कहता क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों इसे साथ में फेस करेंगे। रात में हेनरी के सो जाने के बाद मीरा पेन ड्राइव चेक करती है, इसमें उसे रॉबरर और उसकी बेटी की फोटो मिले। इस बात से वो बहुत ही वरीड हो गई थी। इसके बाद उसने पुलिस को देखा और रॉबरर की बेटी के गायब होने के पीछे किसी और को सस्पेक्ट पुलिस ने बना लिया था। उसने घर आकर हेनरी को कन्फ्रंट किया, उसके खिलाफ उसे जो भी मिला था इसके बारे में उससे बात कर दिया। वो पूछती है तुम रॉबरर के पास गए क्यों थे। हेनरी कहता है कि तुम्हारी कैंसर की वजह से हम लोग जरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, ये घर भी मुझे बिल्ड करना था तो IRS से बचने के लिए मैंने इलीगली कुछ लोगों को हायर किया। मेरे लेबर के कॉस्ट वगैरह सारा कुछ मैं गवर्नमेंट से छुपा रहा था। एक दिन रॉबरर की बेटी उसे मिलने के लिए आई हुई थी, उन दोनों में झगड़ा हो गया, वो एक दूसरे को मारने लग गए थे और इसी वजह से मैंने रॉबरर को फायर कर दिया। पर इसके बाद वो रॉबरर मुझे ब्लैकमेल करने लग गया, उसने कहा था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा तो इसी वजह से मुझे उसे पे करना पड़ा। यही इन्वेलोप उसके घर पर गया था। हेनरी फिर कहता है कि अचानक से मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिया, ये मुझे गलत लग रहा था तो इसी वजह से मुझे धमकाने के लिए उन्होंने हमारे घर पर हमला किया। ये सब सुनने के बाद मीरा को फिर से हेनरी पर ट्रस्ट आ जाता है। अगले दिन उसे कहती है चलो हम हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं। रात में पार्टी के लिए रेडी हो गए। पार्टी स्टार्ट होती है पर मीरा ने न्यूज़ पर देखा कि जिस लड़की के गायब होने के पीछे एक सस्पेक्ट पुलिस ने अरेस्ट किया था तो उसे उन्होंने छोड़ दिया है। उन्हें नहीं लगता कि उस लड़की को उसने किडनैप किया था। मीरा का फिर से हेनरी पर शक जाता है क्योंकि उसी लड़की की फोटो उसके पेन ड्राइव में थी। उसने जो कैमरा ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसे मिल चुका था। वो उसमें फिर रॉबरर की टेप देखती है। इसमें उस रॉबरर ने कहा था मुझे लगता है कि हेनरी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। वो जब मुझसे मिलने के लिए कंस्ट्रक्शन पर आया करती थी तो हेनरी बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखा करता था।
मैंने उसके घर को बिल्ड होता हुआ देखा है। मुझे पता है कि घर के नीचे कुछ ना कुछ तो है। मीरा अब इसका पता करने के लिए हेनरी के ऑफिस में चली गई। वहां पर अपनी घर की फाइल वो ढूंढती है। इसके प्लान से उसे पता चला कि उसके ऑफिस से कुछ एक रास्ता है। चार्जिंग सॉकेट के पीछे उसे एक बटन मिलता है। ये दबाने से एक डोर ओपन हुआ। ये बेसमेंट तक जा रहा था। इसके बारे में मीरा को कुछ भी आइडिया नहीं था। वो जब नीचे आए तो एक लड़की वहां पर बंधी हुई थी। उसकी पट्टी वगैरह निकालती है और ये वही मिसिंग गर्ल है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो रोने लग गई थी। मीरा कहती कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, वरी मत करो। तभी वहां पर हेनरी पहुंच जाता है। मीरा ने पूछा कि तुमने किया क्या, एक्चुअल में तुम हो कौन। हेनरी कहता है कि मेरा ये एक पार्ट है, मुझे अर्जेस आती है, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। जिस तरीके से कैंसर के बाद तुमने अपने डिप्रेशन के साथ फाइट किया था, उसी तरीके से हमेशा मुझे इन अर्जेस से फाइट करना पड़ता है। मीरा कहती है कि तुम हमेशा मुझसे झूठ कहते रहे कि घर तुमने हमारे लिए बनवाया है, तुम्हारी ये सब चीजें करने के लिए तुमने घर बनवाया था। हेनरी कहता है कि ये चीज भी मेरी लाइफ की एक पार्ट है, मैं ये सब करता हूँ इसी वजह से हम दोनों साथ में रह पा रहे हैं। हेनरी का एक्सप्लेनेशन मीरा समझ नहीं पाती और वो पुलिस को कॉल कर रही थी। हेनरी उसका मोबाइल लेकर तोड़ देता है, उसे बहुत ही जोर से मारता है, उसके हाथ पैर उसने बांध दिए। हेनरी मीरा से कहता है तुम्हारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें हेल्प की है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम भी अब मुझे हेल्प करोगी। इसके बाद वो ऊपर आया। घर में पार्टी चल रही थी पर सब लोगों को पार्टी बंद कर घर से निकाल देता है। वो सोचने लग गया कि अब क्या क्या जाए। मीरा उस लड़की से पूछती है तुम यहाँ पर आई कैसे, वो तुम्हारे साथ क्या करता था। लड़की ने कहा कि मुझे उसने किडनैप कर लिया था और डायरेक्टली मैं यही उठी। वो कितने दिनों से बंद है ये भी उसे याद नहीं आ रहा था। हेनरी हर रात नीचे आकर उस लड़की को देखता रहता। मीरा ने बहुत ट्राई किया और अपने आप को रस्सी से छुड़वा लेती है। लड़की को भी उसने निकाल लिया और जल्दी से एक जगह पर वो छुप जाते हैं। हेनरी नीचे आया और वो कह रहा था कि अब हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं है, अब हम सही तरीके से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अचानक से उसके पीछे से मीरा और वो लड़की भागने लग गए। वो ऊपर आए और डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं पर हेनरी ने अपने मोबाइल से सारे घर को लॉक कर दिया था। हेनरी मीरा से कहता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हो कभी भी उन्हें धोखा नहीं देते। उसे बाहर निकलने के लिए कहता है पर मीरा छुप गई थी। हेनरी कहता है कि तुम उस लड़की के साथ करोगी क्या, क्या तुम उसका ख्याल रखोगी, तुम अपने आप का भी ख्याल नहीं रख सकती। उसने मीरा को ढूंढ लिया, उसे मारने लग जाता है। मीरा बेहोश हो गई थी। तभी हेनरी उस लड़की को ढूंढकर फिर से बेसमेंट में लेकर जा रहा था। मीरा को होश आने के बाद हेनरी ने उसे जो गिफ्ट दिया था यही वो लेकर डायरेक्टली हेनरी के सर पर मार देती है। हेनरी इसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया और तड़प तड़प कर उसकी डेथ हो जाती है। इन्होंने फिर पुलिस को वगैरह बुलाया और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। मीरा अपने वैल्यूज के लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, जो चीज गलत है वो गलत ही है। इसके बाद वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई सिटी में चली जाती है। इसी के साथ ही मूवी एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन होने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।